तो पहले वाले एक्सेल से हम लोग कुछ डेटा को, पहले वाले जो एक्सेल फाइल है वहां से हम लोग कुछ डेटा फाइल को पिक किया, उसके बाद सेकंड वाले एक्सेल से कुछ डेटा फाइल पिक किया, फिर थर्ड वाले से पिक किया, ऐसे कर करके हमारे कुछ एक सर्टेन रूल्स होंगे, तो उस रूल के बेसिस पे हम जो जो डेटा है उसे हम लोग मर्ज करेंगे और एक फाइनल हमें यहाँ पे आउटपुट देंगे। तो ये एक तरह का काम, ऐसे काम को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जनरल अभी हम लोग चलें तो किसी भी वेबसाइट पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमें रेलवे रिजर्वेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल IRCTC में रेलवे रिजर्वेशन करना है और एक साथ हमारे पास कई है, हालांकि वो इलीगल है, लेकिन अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो कई सारे हमें रेलवे रिजर्वेशन करना है विद इन सेकेंड, तो हम वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका लॉग इन करेगा पेज, ठीक है, जो भी डेटा हमने दिया उसे वो फिल करेगा, फिल करने के बाद हमारा जो भी प्रोसेस है पेमेंट करने का या जो भी है वो आगे प्रोसेस करेगा। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम वेबसाइट पे हम लोग ये देखते हैं कि एक कैप्चा दिया होता है, तो किसी कोई बता पाएगा कि कैप्चा क्यों दिया जाता है? हेलो, इसमें से कोई ये बता पाएगा कि जो हम लोग किसी भी वेबसाइट पे कैप्चा दिया जाता है वो कैप्चा क्यों दिया जाता है? एक्सक्यूज मी सर, जी हेलो सर। कैप्चा इसलिए दिया जाता है ताकि जैसे कोई रोबोट बाय चांस अगर कुछ एंड वो कर रहा है, एक्सेस करना चाह रहा हो, तो वो ना कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा रोबोट तो होगा जो ये काम कर सकता है। हेलो, यस सर, यस यस सर। सर। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई ऐसा एक रोबोट होता होगा जो ये काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग रिजल्ट अगर हम लोग को डाउनलोड करना हो, या अगर हम लोग UPTU की बात करते हैं, UPTU में अगर हम लोग रिजल्ट हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि लॉगिन करने के बाद अगर एक सर्टेन रेंज से ज्यादा एक ही IP से हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हैं, तो वहां पे वो कैप्चा मांगने लगता है और वो बोलता है कि ये प्रूव करें कि आप पर्सन हो या फिर रोबोट हो। तो इससे एक बात तो कंफर्म होता है कि ऐसा कोई तो रोबोट होगा जो ये काम परफॉर्म कर सकता है, उसी से बचने के लिए ये कैप्चा हम लोग यूज करते हैं इन वेबसाइट, ठीक है। तो वो जो रोबोट है उस रोबोट को हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे और उसी को हम लोग RPA कर रहे हैं, कह रहे हैं। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग रिजल्ट में अगर हम लोग कैप्चर ना हो, ठीक है, कैप्चर को अभी रिमूव करके देखते हैं, उसको साइड पे रखते हैं। तो मान लो कि अगर एक रिजल्ट हमें डाउनलोड करना है UPTU की साइड से, तो मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करूंगा? मैं पहले वन व्यू के रिजल्ट पे जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद रोल नंबर वहां पे डालूंगा, फिर जहां पे चेक बॉक्स होगा वहां पे चेक बॉक्स के पे क्लिक करूंगा, फिर साइन इन करूंगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट को मैं कहीं पे एक एक्सेल फाइल में स्टोर करूंगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को करने पे या फिर 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप तो फिक्स हो गए, और इन सब स्टेप को अगर एक आदमी को पूरे कॉलेज का रिजल्ट निकालना हो, जैसे यहाँ पे देखे होगे कई लोग ये करते भी हैं, बहुत उनका ये टास्क ही होता है कि रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए वो AKTU से सारा रिजल्ट उन्हें एक एक्सेल फाइल पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर समझ लो कि पूरे कॉलेज का अगर रिजल्ट उनको एक जगह स्टोर करना है तो कितना समय लग जाएगा, और यूज ऑफ टाइम मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम भी है एक तरह से, कि एक ही काम को बार बार करते रहना है और उसके लिए हम लोग हाईली स्किल पर्सन को यूज कर रहे हैं जो किसी और काम में यूज हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है या फिर रूल बेस्ड स्टेप्स है हम लोग क्या करेंगे, उसे ऑटोमेट कर देंगे, और उस जो भी जो हमारा रोबोट होगा उसे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सेल फाइल हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, उस एक्सेल फाइल से वो रोल नंबर को ड्रॉप करेगा वहां पे, ठीक है, साइन इन करेगा, रिजल्ट लेगा और रिजल्ट के बाद वो एक एक्सेल फाइल पे वहां पे स्टोर कर ले जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिज्यूम वाला अगर मैं बताऊं तो रिज्यूम का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक प्रोसेस को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले एक ऑटोमेट करके दिखाता हूँ उसके बाद। हाँ, जैसे अगर इसी प्रोसेस को अगर मैं रोबोट के साथ करता, जैसे ये पर्सन के साथ था और जो हम लोग एक पर्सन हमारा यूज कर रहा था, फाइल को शॉर्टलिस्ट कर रहा था और उसके बाद आउटपुट कर रहा था, ठीक है, अगर इसी प्रोसेस को हम एक रोबोट को दे दें और ये रोबोट को टास्क परफॉर्म करना हो तो ये कुछ इस तरह करेगा,
साइट से देखो, साइट से ये उन्होंने रिज्यूम को डाउनलोड किया, इवेल्युएट किया, कौन से कैंडिडेट रिजेक्टेड है उन्हें रिजेक्ट किया, कौन से कैंडिडेट हमारे शॉर्टलिस्टेड हैं उसे शॉर्टलिस्ट करके, और एक फाइल पे हमारा सारा रिजल्ट स्टोर कर लिया जा रहा है। तो ये सारा काम जो है रिपीटेटिव करना है, तो ये कोई एक पर्सन नहीं, एक रोबोट को ही ये टास्क दे दे रहे हैं, और ये रोबोट ही हमारा बार बार टास्क को रिपीट करता जा रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड आता है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, या फिर आरपीए क्या है। तो आरपीए का जो फुल फॉर्म है उसे हम लोग कहेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये जो वर्ड है ये तीन वर्ड से मिला हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग रोबोट की बात करें, तो रोबोट का मतलब क्या हुआ, एक एंटिटी है विच हैज द कैपेबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन एक्शन, यानी कि किसी भी पर्सन का या किसी भी ह्यूमन का जो एक्टिविटी है उसे वो रिपीट कर सकता है या मिमिक कर सकता है, उसे हम लोग रोबोट कहते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट लीड टू मीनिंगफुल एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि अभी हमको लॉग इन करना है, तो लॉग इन करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फेसबुक पे या फिर फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले www.flipkart.com या www.facebook.com या किसी भी सर्टन वेबसाइट पे हम उस ब्राउजर को ओपन करेंगे। उसके बाद हम उस पे अपना यूजर नेम पुट करेंगे, उसके बाद हम उस पे पासवर्ड को पुट करते हैं। ठीक है। देन हम लोग साइन इन क्लिक करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, इसे हम जो जो एक मीनिंगफुल एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे प्रोसेस। और अगर इसे को हम लोग ऑटोमेशन करना होगा तो क्या करेंगे, तो जो भी अभी तक प्रोसेस किए हम लोग, उस प्रोसेस को अगर हम लोग ऑटोमेट कर दें या फिर ऑटोमेटिक ये काम करने लगे बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑटोमेशन। और तीनों वर्ड को अगर हम लोग मिला दें, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, तो हमारा अगर डिफिनेशन अगर हम लोग इसमें कंबाइन करते हैं तो ये क्या डिफिनेशन बनेगा, मिमिक ह्यूमन बिहेवियर टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप विच लीड टू मीनिंगफुल एक्टिविटी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आरपीए क्या है, आरपीए एक मेथड है या फिर टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को या सीक्वेंस ऑफ स्टेप को मिमिक कर रहा है बिना किसी भी पर्सन की नीड के। ठीक है। तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें कंप्यूटर के सामने सिर्फ बैठे रहना है, तुम्हारे सामने सारी एक्टिविटी, वो प्रोसेस जो भी तुमने उसको टास्क परफॉर्म करोगे वो टास्क वो रिपीट करता जाएगा। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि सेम जो पर्सन वहां पे काम कर रहा था वो सेम काम एक हम लोग रोबोट को देंगे और वो टास्क को बार बार रिपीट करेगा और पूरा प्रोसेस एंड होने के बाद हमें एक फाइनल रिजल्ट वो दे देगा जिस फॉर्म में मुझे चाहिए होगा। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या क्या बेनिफिट होंगे, इससे सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि जो जो टास्क है वो समय पे पूरा होगा या फिर उससे पहले ही पूरा हो सकता है। दूसरी क्या बेनिफिट होगा कि उस टास्क में जो पर्सन होगा, हो सकता है उसे मैनुअली कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये रोबोट काम कर रहा है तो रोबोट पे मिस्टेक होने की चांसेस लगभग ना के बराबर है। अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग सही से होगी तो वो मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है। तो आरपीए एक टेक्नोलॉजी हो गया। तो वर्ल्ड में तीन लीडिंग कंपनी है, ठीक है, जो अपना प्लेटफॉर्म देती हैं और एक तरह समझ लो कि हमारा एक स्टूडियो प्रोवाइड करती है जिसमें हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उन तीन लीडिंग कंपनियों में सबसे पहला कंपनी है यूआईपाथ, फिर है ब्लू प्रिज्म और थर्ड है ऑटोमेशन एनीवेयर। ठीक है। तो ये तीन लीडिंग कंपनियां हैं, यूआईपाथ, ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर। इन तीनों के काम हमारे पास, जो इन तीनों के जो काम है वो सेम काम, यानी कि किसी भी प्रोसेस को या किसी भी सीक्वेंस को, रिपीटेटिव सीक्वेंस को ऑटोमेट करना है। तीनों की जो लगभग लगभग आउटपुट लगभग सेम है, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का जो मेथड्स है वो तीनों में डिफरेंट है। यूआई पाथ अलग टाइप से प्रोग्रामिंग करेगा, ब्लू प्रिज्म में अलग टाइप से प्रोग्रामिंग करेगा और ऑटोमेशन एनीवेयर में कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होंगे। लेकिन इन तीनों तीनों में एक कॉमन है कि किसी में तुम्हें हार्ड कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, यानी ये एक सिंपल पिक एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। ठीक है। यानी तुम्हें क्या करना है, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, जैसे मान लो इफ एल्स को प्रोग्राम करना है, तो तुम्हें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है इफ एल्स। ठीक है। तुम्हारे पास एक्टिविटी प्रोवाइडेड होगी इफ एल्स करके, पिक करना है, ड्रॉप करना है, सर्टेन कंडीशन उसे देना है। ठीक है। तो सर्टेन कंडीशन हमें उसे देना है और वो फिर आउटपुट पे जो भी होगा वो आउटपुट हमारा वहां से प्रोड्यूस होगा। ठीक
ठीक है, तो यानी कि हमें किसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है प्रीवियसली, हमारे पास ऐसी कोई भी नीड नहीं है कि आपको एक प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी हो रही है तो भी ठीक है, या फिर आपका अवेयरनेस है तो भी ठीक है। तो इन तीनों में हमारे पास सिर्फ पिक एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। ठीक, तो अब इनमें हमारा बेनिफिट क्या है देखो। हाँ एक्सक्यूज मी बोलो। सर, सर जो ये सही यूआई पाथ और ये सब है, इनसे हम एक एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं कि हम एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, ऐसे वही कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें जो कुछ भी एक्टिविटी कंप्यूटर बेस पे करना है, जैसे मान लो कि कंप्यूटर में मुझे कैलकुलेटर को ऑन करना है, ठीक है, और कैलकुलेटर पे हमें रन करके समथिंग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है, या सडन जोड़ना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, वेब बेस्ड हो गया, या रिकॉर्डिंग, कुछ भी एक्टिविटी तुम इसमें प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब तुम कीबोर्ड को टच करके जो तुम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, वो एक्टिविटी तुम इससे कंप्यूटर से प्रोवाइड आउटपुट ले सकते हो। अब रही बात एप्लीकेशन डेवलप करने का, तो ये एक प्रोग्राम एक छोटे छोटे मॉड्यूल में बटा होगा, जिसे तुम फाइनल में एक पैकेज के रूप में यूज कर लोगे। पैकेज के रूप का मीन्स होगा कि जैसे तुम्हारे पास एक फाइनल आउटपुट होगा, जिसमें तुम्हारे पास प्रोग्राम तो नहीं होगा, सिर्फ एक पैकेज होगा। बस उस पैकेज को तुम क्लिक पैकेज को तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, क्लिक करोगे, वो तुम्हारा एक्शन परफॉर्म करने लगेगा। ये समझ में आया? यस सर, ठीक है, तो जैसे मैं तीनों में एक अगर हम बताएं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट में हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, ठीक है, सबका अलग अलग टास्क है, और यूआई पाथ हो गया। तो एक समझ लो कि अगर हमको कोई एक परफॉर्म करना है कोई एक्शन, तो एक सर्टेन पैकेज जनरेट होगा। पैकेज अगर मैं दिखाऊं, अगर शायद इसमें पड़ा हो, अदरवाइज मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये देखो, जैसे एक यहाँ पे पैकेज हो गया, यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो जो एक्सटेंशन है NUPKG, एक पैकेज जनरेट हो गया। इसे हम सिर्फ जो रोबोट है उसे बस ये पैकेज देंगे, लेकिन इसके अंदर की प्रोग्रामिंग तुम नहीं पढ़ सकते हो। ये प्रोग्राम करने के बाद एक फाइनल हमारा आउटपुट हमारा प्रोग्राम हुआ है, जिसमें मैंने जीमेल ऑटोमेशन के नाम से सेव किया है। यानी कि मैं अगर जब इसे रोबोट को दूंगा और रोबोट इसे रन करेगा, तो सर्टन जो प्रोग्राम में जितने भी एक्सेल शीट के मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि इन्हें मेल चले जाने चाहिए, तो वो मेल उसे फॉरवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये एक पैकेज हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो टास्क है आज का, वो हमारे पास है यूआई पाथ का, क्योंकि और बेनिफिट हम इसमें भी डिस्कस कर रहे थे। तो यूआई पाथ में जो कम्युनिटी एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन में एक रोबोट को हम लोग चला सकते हैं, यानी कि एक बार में एक ही रोबोट हमारा परफॉर्म होगा। हाँ, जीवाई पाथ में हम लोग जो कम्युनिटी एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन हमारा फ्री होता है, यानी कि उसे तुम यूज कर सकते हो लाइफ टाइम तक के लिए, ठीक है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो धीरे धीरे अपग्रेड होता रहता है, और वो लाइफ टाइम तक तुम्हारा जो कम्युनिटी एडिशन है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो और लेकिन जो ब्लू प्रिज में है, अगर तुम इसका ट्रायल वर्जन लोगे, तो ट्रायल वर्जन ये तुम्हारे लगभग 30 दिन 30 डेज के लिए ये होगा ट्रायल वर्जन, और सेम ऑटोमेशन एनीवेयर में भी और जो ट्रायल वर्जन है वो 30 दिन के लिए हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो अभी हमारे स्टूडेंट बेनिफिट के लिए हमारे पास यूआई पाथ में है, अगर अगर समय मिलेगा और ब्लूप्रिंट में और ऑटोमेशन एनीवेयर पे हम लोग करेंगे, तो कॉलेज के नाम पे ब्लूप्रिंट में पे 1 साल की हमारे पास लाइसेंस है, और ऑटोमेशन एनीवेयर हमारे पास सिर्फ 30 दिन के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास बेनिफिट ये हो गया यूआई पाथ को यूज करने का, क्योंकि इसका जो कम्युनिटी एडिशन है वो लाइफ टाइम है, हम फुल प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं, और चूंकि ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कंपनी में इसके जॉब ऑफर्स भी अच्छे खासे हैं, डायरेक्ट डेवलपर की जो पोस्टें होती हैं वो अच्छी खासी मिलती हैं, और ये एक बेनिफिशियल है। अगर तुम लोग सारे जो भी यूआई पाथ ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर, अगर तीनों में ही इनरोल हो जाओ और तीनों को ही अच्छे से कोर्स को कम्प्लीट करते हो, तो तुम्हारे ये रिज्यूमे में बेटर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यूआई पाथ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, यूआई पाथ को हम लोग इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है। तो अभी तक के लिए तुम लोग को एक शॉर्टकट देने के लिए मैंने यूआई पाथ के वेबसाइट पे और क्लासरूम के पे डायरेक्ट मैंने सेटअप तुम लोग को भेज दिया है, यानी तुम लोग डायरेक्ट सेटअप से जो भी क्लासरूम है वहां से सेटअप को तुम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सेल्फ करना है तो तुम कैसे करोगे, सबसे पहले तुम लोग को जाना होगा uipath.com पे, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे तुम लोग सबसे पहले जाओगे www.uipath.com, ये तुम्हारा एक ऑफिशियल वेबसाइट है यूआई पाथ का, जिसमें तुम्हारे सारे रिसोर्स मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है।
और तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई यूआई पाथ फॉर प्रे, आइकन दिख रहा है यहाँ पे, सबको सो हो रहा है, ठीक है। ये एक जनरल मेथड बता रहा हूँ जिसमें अगर तुम्हारे पास सेटअप लूज सेटअप नहीं रहता है और तुम्हें डाउनलोड करना है तो सेटअप तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई यूआई पाथ पे तुम लोग क्लिक करोगे, उसके बाद एक सर्टन पेज पे तुम लोग रीडायरेक्टेड होगे वही क्लाउड वाले वेबसाइट पे, और यहाँ पे तुम्हें लॉग इन करना है। तो तुम यहाँ पे जीमेल के थ्रू या फिर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू तुम लोग डाउनलोड लॉग इन हो सकते हो, या फिर तुम अपने एक पर्टिकुलर ईमेल के थ्रू इस पे लॉग इन करके वेबसाइट के अंदर इनरोल हो सकते हो। फिर तुम्हारे पास इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा वही पेज है जिसमें मैंने अभी तुम्हें अकाउंट बनाने के लिए बताया था, cloud.uipath.com, ठीक है। तो इस पे तो अकाउंट तुम लोग को नीडफुल बनाना ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे रिसोर्स सेंटर पर। जब हम रिसोर्स सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग वर्जन आ जाएगा, कम्युनिटी एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन। तो कम्युनिटी वर्जन जो मैंने बताया, कम्युनिटी एडिशन हमारा लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा, और अगर हम इंटरप्राइज एडिशन लेते हैं तो ये ओनली एग्जिस्ट करेगा ओनली फॉर 60 डे, ठीक है। तो सिर्फ 60 दिन के लिए ये रहेगा, और कम्युनिटी एडिशन में हमारे पास ये बेनिफिट है कि ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास सेटअप रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इसमें एक और ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि प्रीव्यू वर्जन या फिर स्टेबल वर्जन। तो प्रीव्यू वर्जन से मतलब ये है कि तुम जो ये सेटअप है सिर्फ रनिंग टाइम पे यूज करोगे, मतलब तुम्हारा जो सेटअप है वो इंस्टॉल नहीं होगा लेकिन तुम इसको यूज करोगे। तो जितने बार भी तुम इस पे क्लिक करोगे तुम्हारा एक प्रीव्यू वर्जन ओपन होगा और तुम इसको रन कर सकते हो, बट वो इंस्टॉल नहीं होगा तुम्हारे हार्डवेयर में। तो तुम सबसे बेनिफिट क्या होगा, तुम इस पे स्टेबल पे क्लिक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल पे क्लिक करो और डाउनलोड स्टेबल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो सेटअप होगा वो लगभग 300 MB या 320 MB का लमसम होंगे, वो तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने पे सिंपल डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद यूआई पाथ ऑटोमेशन नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टेबल तुम्हें सेलेक्ट करना है और तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आया होगा, स्टेबल वर्जन डाउनलोड किए होंगे सब लोग। स्टूडियो सेलेक्ट करना है, पहले नेक्स्ट में स्टूडियो सेलेक्ट करना है, दूसरे नेक्स्ट में स्टेबल सेलेक्ट करना है और यूआई पाथ इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इंस्टॉलेशन में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ तक सारा प्रॉब्लम हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़े, जितने बच्चे हैं सबका यहाँ तक हो चुका है प्रोसेस। यस सर, ठीक है। यस सर, ओके, ठीक। तो इसके बाद हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो हम लोग के पास अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के जो जो एक्टिविटी है या फिर हम लोग जो एकेडमिक में कैसे कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ना है। तो इसके कुछ एक सर्टेन कोर्स बनाए गए हैं, ये कोर्स तुम्हें यूआई पाथ के एकेडमी में मिल जाएगा। जिसमें पहला बेसिक जो कोर्स है, उस बेसिक कोर्स का जो नाम है उसे कहा जाता है आरपीए डेवलपर फाउंडेशन। तो आरपीए डेवलपर फाउंडेशन में तुम लोग पढ़ोगे कि कैसे हम लोग डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कैसे होता है, एक्सेल कैसे होता है, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ोगे जो फाउंडेशन तुम्हारा क्रिएट करेगा। अगर ये फाउंडेशन तुम्हारा कंप्लीट होता है तो हम लोग मूव करेंगे आरपीए डेवलपर एडवांस ट्रेनिंग पर, ठीक है। ये सेम ट्रेनिंग तुमको यहाँ पे भी जो मैं ये स्टेप बता रहा हूँ, ये तुम्हारा स्टेप यूआई पाथ एकेडमिक से लिया गया है। यानी जब तुम यूआई पाथ एकेडमिक पे क्लिक करोगे, यूआई पाथ एकेडमिक पे तुमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जब लर्निंग पाथ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसमें तुम लोग के पास देखो जो पहला कोर्स है वो यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा आरपीए डेवलपर फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कोर्स है वो है आरपीए डेवलपर एडवांस। तो यही दोनों कोर्सेज को मैंने मेंशन किया है, ये फाउंडेशन का कोर्स है और ये है तुम्हारा डेवलपर के कोर्स, एडवांस लेवल के कोर्स, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर ये तुम्हारे लेवल 1 और लेवल 3 के नाम से आते थे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 और लेवल 2 को कंप्लीट करके इन्होंने एक फाउंडेशन बना लिया, और जो लेवल 3 के नाम से आता था उसे उन्होंने आरपीए डेवलपर एडवांस बना लिया, ठीक है। तो चूंकि मैंने लेवल 1 लेवल 2 कर रखा तो मुझे नीड नहीं है, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है और इस कोर्स को जो आरपीए डेवलपर फाउंडेशन का कोर्स है इसे तुम लोग को एनरोल करना है। और जैसे जैसे हम लोग स्टेप पे आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें भी यहाँ पे एक एक स्टेप को आगे बढ़ते जाना है। तो फाइनल में क्या होगा, जब यहाँ से तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा तो एट द सेम टाइम तुम्हारे इस यहाँ से भी कोर्स तुम्हारा कंप्लीट होगा और सर्टिफिकेट तुम्हें यहाँ यूआई पास से तुम्हें डायरेक्ट ही साइट से तुम्हें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से तुम्हें सर्टिफिकेशन मिलेगा,
और इस सर्टिफिकेशन को तुम लोग रिज्यूमे में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन का कोर्स खत्म करेंगे, अगर सब लोग मतलब कि कंफर्टेबल फील करेंगे देन हम लोग मूव करेंगे आरपीए डेवलपर एडवांस ट्रेनिंग पे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पूरे प्रोसेस के साथ जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे इस फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करना है। तो अगर सबका लॉगिन हो चुका है और सब लोग इंस्टॉल कर चुके हैं तो यूआई पाथ पे हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे, तो एक प्रोसेस तुम्हें पता हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे यूआई पाथ पे, गूगल में ये तुम्हारी सर्च बार पे हम लोग लिखें यूआई, तो हमारे पास ऑप्शन जो मिलेगा यूआई पाथ स्टूडियो और यूआई पाथ असिस्टेंट, ये दोनों सब में मिल रहे हैं, देख लो एक बार चेक कर लो यूआई पाथ स्टूडियो और यूआई पाथ असिस्टेंट। अगर असिस्टेंट नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग बाद में बता दूंगा कि इसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। अगर सब लोग इंस्टॉल कर चुके हैं तो यूआई पाथ स्टूडियो को क्लिक करो और ओपन करो यूआई पाथ स्टूडियो को। यूआई पाथ रोबोट और यूआई पाथ स्टूडियो आ रहा है सर। हाँ, वही असिस्टेंट का जो मतलब है वो पहले प्रीवियस वर्जन में वो रोबोट देता था, तो मैंने जो तुम लोग को दिया है वो प्रीवियस वर्जन है उसी को यूज करना है। ठीक है, तो वो बेटर है, अभी वो तुम्हारे जो नेटवर्क अगर ऑन होगा तो वो अपडेट वर्जन ऑटोमेटिक वो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अभी पुराने वर्जन को यूज करो, वो बेनिफिशियल होगा अभी अभी के लिए। ओके सर, तो सब लोग में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, यूआई पाथ स्टूडियो एंड यूआई पाथ रोबोट, तो अभी तुम लोग को यूआई पाथ स्टूडियो पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करो तो यूआई पाथ स्टूडियो हमारा ऑन हो जाएगा। सबका यहाँ तक पहुंच चुका है, सब लोग साथ में चलते रहना, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो तुरंत वहां पे होल्ड करेंगे और मुझे बता देगा, मैं ओके रुका सर। रहूंगा, सर लेकिन सब लोग साथ में पैरेलली चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर जैसे आपने जो वो सॉफ्टवेयर भेजा था उसको मैंने डायरेक्ट मतलब मैंने ओपन किया तो मेरा डायरेक्ट ये यूआई पाथ स्टूडियो वो खुल रहा है, मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ है वो। हाँ, तो तुमने वहां पे क्लिक कर दिया होगा एक प्रीव्यू वर्जन पे। ठीक है, सर अगर अभी इंस्टॉल मैं जैसे इसको स्टेबल कर अभी रखा है मैंने। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक क्लास चल रहा है तब तक तुम इसको अभी यही यूज करो। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने साइट पे बताया ना वहां पे जाके स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लो, अगर तब भी नहीं हो रहा तो मुझे फोन कर लेना इन बिटवीन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ओके चूंकि क्लास स्टार्ट हो चुका है तो अभी जो ओपन हो गया उसी पे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम वो प्रॉपर ओके करेगा, बस वो हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होगा तो उसे बाद में इंस्टॉल कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? हम सब लोग को पहले यहाँ पे पहुंच जाना है, ये आइकन शो होना चाहिए सबके पास, ये जो पेज है ये ओपन होना चाहिए सबके पास। सब लोग यहाँ तक पहुंच जाओ जल्दी और फिर मुझे कंफर्म करो कि सब लोग आ गए हैं, तो फिर आगे बढ़ो मैं। डन स्टूडेंट सब अपना कंफर्मेशन दे देना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो साथ के साथ पूछ कि इसे बाद में देख लेंगे या किसी और से पूछ लेंगे। ठीक है।
तभी आप आगे कर पाओगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये कोर्स करने में। अच्छा सर, ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? अभी सबको एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, अभी तुम लोगों से स्टूडियो करना है बस, ऑर्केस्ट्रेटर मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, एक यूआई पाथ स्टूडियो और एक यूआई पाथ स्टूडियो एक्स प्रीव्यू है, जब यूआई पाथ स्टूडियो पे क्लिक करो। ओके सर,
हो गया है सबका? यस ओके सार्थक, अगर तुम्हारे में गूगल असिस्टेंट नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हें बस UiPath स्टूडियो को ही रखो। गूगल असिस्टेंट में कैसे लाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत हो रहा है तो पहले तो यूज करो जो सॉफ्टवेयर मैंने गूगल क्लासरूम पे दिया हुआ है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो ही डाउनलोड करना, ठीक है? हालांकि वो प्रॉपर वो काम करेगा तुम्हारे सेटअप पे। तो ये लगभग सब में हो चुका है, किसी का नहीं हुआ है तो बताए, मैं वेट करूँ, अदरवाइज मैं आगे मूव करूँ। अगर के किसी का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है तो मुझे शेयर करे, अदरवाइज फिर मैं मूव फॉरवर्ड करूँ, आगे बढ़ूँ। हो गया है, कुछ अपडेट दो मुझे। हाँ, बहुत लोगों को डन हो चुका है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो मुझे बोलता है कि नहीं हुआ है तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो सर आगे। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग फॉरवर्ड होते हैं। तो हमारे पास जो ये सेटअप बनेगा गूगल स्टूडियो प्रो कम्युनिटी एडिशन जो हमारे पास है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सर्टेन कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ओपन, स्टार्ट, टीम, टूल, सेटिंग, ये सब मैं बाद में एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है? उसके बाद अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो हमारे पास ऐसे कुछ आइटम्स बनेंगे यहाँ पर। तो हमें अभी के लिए यहाँ पे यूज करना है प्रोसेस पे, तो प्रोसेस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो जिनका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, ओवरऑल मुझे लग रहा है सबका इंस्टॉल हो चुका है, तो तुम लोग सबसे पहले काम करो प्रोसेस पे वन क्लिक करो, ठीक है? प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं डे वन, ठीक है, और स्पेस नहीं देना है तुमको, यह ध्यान देना है कि जो नेम होगा उसमें स्पेस ना दो, अगर स्पेस तुम्हें यूज करना है तो उसके जगह तुम अंडरस्कोर यूज कर लो, ठीक है? तो डे वन CSIT, मैं इस नाम से एक फाइल बना ले रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन इसका जो लोकेशन है, तुम लोग बाय डिफॉल्ट मेरे ये डॉक्यूमेंट UiPath पर है, अगर तुम्हें इसका लोकेशन चेंज करना है तो तुम यहाँ पे कोई भी फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फोल्डर को सेलेक्ट करो तो वो उस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखूँ यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अंडरस्कोर का, तुम स्पेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये बस डिस्क्रिप्शन के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे वन CSIT, ठीक ऑनलाइन समर ट्रेनिंग, ठीक है? और इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट, ठीक? क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, प्रोसेस पे हम लोग क्लिक किए, प्रोसेस के बाद हमने नेम को फिलअप किया जो भी तुम्हें नेम देना है, देन उसके बाद लोकेशन को मैंने यहाँ पे सेट किया, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सेट किया डे वन, या जो भी डिस्क्रिप्शन तुम्हें प्रोवाइड करना है वो लिखोगे, और देन क्लिक ऑन क्रिएट।
क्योंकि ये पहली जो पहला फाइल है हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो ये डिपेंडेंसी कुछ क्रिएट करता है अपने बैकग्राउंड में, क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है, तो ये बैकग्राउंड से कुछ डिपेंडेंसी को यूज करता है। बाय डिफॉल्ट जो भी डिपेंडेंसी है उसकी एक्टिविटी को हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए वो स्टार्टिंग टाइम पे कुछ समय लेगा इंस्टॉल होने, मतलब जो डिपेंडेंसी ऐड करने में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें लिख भी रहा है एडिंग डिपेंडेंसी, ठीक है। तो जब हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक डैश डैश हमारे पास शो होने लगेगा। सब लोग यहां तक आ चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान दें, पीपीटी भी फिर से चलते हैं, तो हमारा पास सबसे पहले हम लोग प्रोसेस पे यहाँ पे क्लिक किए, देन हमारे पास तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। वो तीन चीजें जैसे अभी किसी ने पूछा ऑर्केस्ट्रेटर, तो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोग्राम जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे यूआई पाथ स्टूडियो के अंदर। और यूआई पाथ स्टूडियो क्या है, ये हमारा स्टूडियो यही है, यूआई पाथ स्टूडियो, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे यूआई पाथ स्टूडियो, यानी कि जहां पे हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे या फिर डेवलप करेंगे उसे हम लोग कहेंगे यूआई पाथ स्टूडियो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूआई पाथ रोबोट, ठीक, और यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्राम जब तुम रन करोगे तो एक रोबोट जो होगा वो बैकग्राउंड में बैकएंड पे वो रोबोट लॉन्च होगा, और वो रोबोट तुम्हारा पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे यूआई के पास स्टूडियो के साथ साथ एक असिस्टेंट भी क्रिएट है, तो असिस्टेंट पे जब क्लिक करोगे तो ये असिस्टेंट कुछ नहीं एक रोबोट है, या फिर ये तुम्हारा एक मीडिएटर है। जब तुम प्रोग्राम को देते हो तो ये तुम्हें असिस्ट करता है, यानी एक रोबोट हमारा यहाँ पे लॉन्च होगा जो बैकग्राउंड में हमारा रन करेगा। मैं भी इसको ऑन करके दिखाऊंगा कैसे ये रन करता है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर, ऑर्केस्ट्रेटर तुम्हारा ये क्लाउड है, जो मैंने अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि तुम लोग क्लाउड पे लॉगिन कर लेना, तो ये क्लाउड डॉट यूआई पाथ जो है ये तुम्हारा ऑर्केस्ट्रेटर है। देखो जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑर्केस्ट्रेटर मुझे शो होगा, और ये रोबोट जो है वो क्लाउड मुझे ये मतलब ये ऑर्केस्ट्रेटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अपना फेसबुक की साइट पे मुझे लॉग इन करना है, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ऑर्केस्ट्रेटर ऑन हो चुका है, तो मान लो कि उसमें मुझे अपनी यूजर नेम और पासवर्ड को भी मुझे यूज करना है। तो अब यूजर नेम और पासवर्ड अगर तुम प्रोग्राम में दोगे और वो प्रोग्राम अगर किसी के साथ शेयर करोगे तो हो सकता है वो प्रोग्राम जो भी तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्रेडेंशियल जो भी है वो तुम्हारा स्टोर ना रह पाए, वो लीक हो जाए। तो ऐसे कुछ क्रेडेंशियल को हम लोग स्टोर करने के लिए ऑर्केस्ट्रेटर का यूज करते हैं। और क्या परफॉर्म कर सकते हो, मान लो तुम्हारा कंप्यूटर कॉलेज में है और तुम अभी घर पर हो, और तुम्हें क्या करना है वहां से जो भी बटन है वहां से प्रेस करना है, और कॉलेज से भी जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट करना है। मतलब तुम्हारा जो मशीन है वो मशीन तुम्हारा लोकल कहीं और है, और जहाँ पे तुम्हारा रोबोट है वो कहीं और है, ठीक है। डिस्टेंस के बीच में तुम्हें रोबोट को लॉन्च करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अगर मैं जॉब पे क्लिक करूँ या फिर प्रोसेस पे क्लिक करूँ, सॉरी अगर मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये रहा। तो इसमें मैंने सर्टेन कुछ प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ था, और अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो जैसे भी मैं यहाँ पे टेस्ट अगर MIT करूँ, अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या क्या ऑन है, मैं अगर इसको सिर्फ रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी प्रोग्राम हमारा है, जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम था जो टेस्ट के नाम से है, ऑन करते ही वो प्रोग्राम मेरा चालू हो जाएगा। और ये प्रोग्राम हो सकता है तुमने कॉलेज पे स्टोर करके रखा हो या कहीं और पे स्टोर करके रखा हो। तो अगर क्लाउड से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट करके लिखा हुआ था तो हेलो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ओवरऑल क्लाउड ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब ये हो गया कि तुम जो भी रोबोट है उसको तुम क्लाउड से ही या फिर एक रिमोट प्लेस से तुम इसको लॉगिन करके और इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसमें हम लोग क्रेडेंशियल को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, मान लो कुछ सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हम जो भी प्रोसेस हम लोग को यूज करना है, जैसे रोल नंबर हो गया, रोल नंबर बच्चों का रोल नंबर या फिर अटेंडेंस मुझे अपलोड करना है, तो वो रोल नंबर हम लोग क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं एज अ क्यू। देखो यहाँ पे अगर मैं क्यू जाऊंगा तो मैंने कुछ क्यू को ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्यू बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्यू हमारे यहाँ बने हुए हैं, तो ये क्यू भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, एसेट को यूज कर सकते हैं, प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, क्यू भी और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस है हमारे ऑर्केस्ट्रेटर में होंगे। तो हमारे जो यूआई पाथ है, यूआई पाथ हमें तीन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे
पहला होगा स्टूडियो, जिस प्रोग्राम को रन करते हैं बाईपाथ रोबोट। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो बैकग्राउंड में जो रोबोट सारा परफॉर्मेंस, जो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है वो होगा हमारा यूआई रोबोट। एंड थर्ड हो गया ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर का काम क्या है कि ऑर्केस्ट्रेटर एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, जो हमें प्रोसेस में क्या मॉनिटर हुआ या कोई टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है या फिर हम लोग क्लाउड से या किसी डिस्टेंस लोकेशन से हम लोग जो प्रोसेस है उसको ऑन कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। तो अभी तीनों में कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समझ में ना आ रहा हो स्टूडियो रोबोट एंड ऑर्केस्ट्रेटर में? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ ओके ठीक। तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम करना है, जैसे मैंने बताया कि इसमें जरूरत नहीं है तुम्हें पाइथन की नीड हो या फिर जावा की नीड हो, ऐसी कोई नीड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोग स्क्रैच यूज करते हैं या फिर अलग अलग सेटअप यूज करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के बिहाफ में एक हमारा पिक एंड ड्रॉप एक्टिविटी यूज होती है कि मैंने सर्टेन एक्टिविटी को पिक किया और अकॉर्डिंगली जिस तरह हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना है वैसे हम लोग इस एक्टिविटी को प्लेस करते गए। ठीक है, कुछ रूल्स होंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये डन करेंगे और जो कुछ भी एक्टिविटी हमारा सीक्वेंस में होगा वो सीक्वेंस में हमारा परफॉर्म होना लगेगा। तो हम लोग दो चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक होगा एक्टिविटी, दूसरा होगा सीक्वेंस। तो एक्टिविटी का मतलब हमारे एक्टिविटी पैनल पे शो होगा। सीक्वेंस, तुम्हें जो जो स्टेप फॉलो करना है उन एक्टिविटी को तुम उस प्रॉपर सीक्वेंस में रखोगे क्योंकि वो जो भी टास्क परफॉर्म करेगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्लाउड पे जब हम लोग स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिबन्स हमारे शो हो रहे हैं। देखो ये जो पैनल्स हैं, ऊपर वाले जो पैनल्स हैं टॉप फ्लोर पे, तो इन इन पैनल्स को कहेंगे हम लोग रिबन्स। तो इन रिबन्स में कुछ एक्टिविटी या कुछ सीक्वेंस हमारे पास पहले से बने हुए हैं, जैसे कि हम अभी सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग मैनेज पैकेज हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, स्क्रीन स्क्रैपिंग, डेटा स्क्रैपिंग, यूजर, यूआई एक्सप्लोरर, तो कुछ चीजें हम लोग के यहाँ पे पहले से बने होंगे, ऐसे डिबग में कुछ होंगे। ठीक है, और होम को अगर क्लिक करूंगा तो वापस मैं उसी प्रोसेस में आ जाऊंगा जहां से हमने इस प्रोसेस को बनाया था। तो बैक करके हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे रिबन। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ पैनल्स होंगे। देखो ये सब यूजर इवेंट, मैंने सबको अलग अलग करके डिस्कस करूंगा। इन रिबन में कुछ इवेंट जो भी हमारा शॉर्टकट एक तरह का हम इसको यूज करेंगे, जैसे रिकॉर्डिंग हो गया, स्क्रीन स्क्रैपिंग हो गया। ठीक है, तो इन सबको मैं जब एक्टिविटी में यूज करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्टिविटी पैनल। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी पे जो भी क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटी के साथ कुछ पहले से प्री डिफाइंड एक्टिविटी हमारे पास यूज हो जाएंगे। पहले से हमारे पास यहाँ पे शो होगा कि दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो ये एक्टिविटी कहाँ से आए हम, तो अगर हम लोग याद करोगे तो जो हम लोग प्रोसेस को जब हम लोग क्रिएट किए थे तो जो प्रोसेस ओपनिंग में है, ओपनिंग के समय में वो कुछ समय यूज ले रहा था और वो समय क्या ले रहा था, एडिंग डिपेंडेंसी। तो इसने कुछ डिपेंडेंसी को पहले से यूज करके रखा है, यानी पहले से एड करके रखा है। तो जब मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो दीज आर द डिपेंडेंसी जिनको उसने यूज करके रखा है। तो कौन कौन से एक्टिविटी डिपेंडेंसी हमारे यहाँ भी पहले एक्टिविटी है और हमारे पास यूआई ऑटोमेशन की एक्टिविटी पहले से ही है। और ये तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ये तुम्हें एक्टिविटी पैनल के जस्ट लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर ये पूरा एक पैनल मिलेगा जिसमें जो भी डिपेंडेंसी हमारी प्रोग्राम को यूज करने के लिए नीड होगा वो डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, और इन डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्टिविटीज होंगी। जैसे मैं अगर बोलूँ एक्सेल है यहाँ पर, तो एक्सेल के रिलेटेड एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पर होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सेल किया तो एक्सेल के रिलेटेड एक्टिविटी मुझे यहाँ पे शो होने लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ को क्लिक करूँ तो पीडीएफ से रिलेटेड हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट पे स्टोर नहीं है। तो जो कुछ भी डिपेंडेंसी अगर हमारे प्रोजेक्ट पे नहीं है तो उसे हम लोग अभी मैं बाद में यूज करके बताऊंगा, तो यहाँ मैनेज पैकेज से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये सिमिलर है जैसे तुम लोग पाइथन में अगर प्रोग्राम करते हो तो वहां पे भी हम लोग के पास अगर कोई लाइब्रेरी पहले से है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर वो लाइब्रेरी नहीं है
तो हम लोग क्या करते हैं उसका पिप से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, अदरवाइज अगर हम लोग पाईचार में या एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग उसको इंस्टॉल करके, जैसे मैंने पैकेज में वहां पे हम लोग ले आके उसके बाद हम लोग इसको इम्पोर्ट करके यूज करते हैं। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी है, अगर कुछ सर्टेन लाइब्रेरी हमारे पास प्री डिफाइंड पहले से है देन देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी को हम यूज करेंगे, अदरवाइज हमें क्या करना होगा मैनेज पैकेज पे क्लिक करना होगा, देन मैनेज पैकेज से उन एक्टिविटी को या उन सेटअप को हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन क्या हुआ, अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो तुम एक्टिविटी कहां से इंस्टॉल करोगे, तो तुम्हारे पास जो पैकेज है डिपेंडेंसी तुम किस पे क्लिक करोगे, मैनेज पैकेज, मैनेज पैकेज से हम उन एक्टिविटी को यूज करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। मैनेज पैकेज पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ एक्टिविटी यहाँ पे इंस्टॉल होंगी जो हमारे डिपेंडेंसी है। अगर तुम्हें सर्च करना है तो यहाँ पे जैसे मैं पीडीएफ लिखूं तो पीडीएफ के नाम से अगर कोई एक्टिविटी हमारे पास आ रही है, जैसे यहाँ पे देखो यूआई पाथ पीडीएफ एक्टिविटी दिख रहे हैं, तो ये पीडीएफ एक्टिविटी अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो सिंपल हमें क्या करना होगा, वर्जन सेलेक्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वर्जन है, ठीक है, स्ट्रिक्ट इसी वर्जन पे काम करना है, सिंपली हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तो कर रहा हूँ करना है, ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, देन हमें यहाँ पे सेव करना है। तो अब चूंकि मैंने यहाँ पे पीडीएफ एक्टिविटी को यूज कर लिया है तो अब ये एक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी के रूप में ऐड हो जाएंगी। देखो तो ये डिपेंडेंसी में हमारा यहाँ पे पीडीएफ एक्टिविटी भी इंस्टॉल्ड हो गया विद देयर रिस्पेक्टिव वर्जन जो कि हमारे पास है 3. एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा इन एक्टिविटी पैनल। तो एक्टिविटी पैनल पे अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें पीडीएफ तो हमारे पास देखो पहले पीडीएफ पे हमारे पास कोई एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, बट नाउ पीडीएफ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके जो रिलेटिव हमारे पास एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे शो होने लगी। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर यहां पे ध्यान दें डिजाइन पैनल पे, ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड का पैनल अगर हमारे पास एंड हो चुका है तो हमारे पास राइट साइड में एक पैनल है प्रॉपर्टी के नाम से। प्रॉपर्टी में अदरवाइज जैसे तुम्हें कुछ एक्टिविटी को यूज करना है तो उसके रिस्पेक्टिव जो प्रॉपर्टी होंगे, कुछ ऐड करना होगा, कुछ उसे माइनस करना होगा, तो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी हमारे पास ओपन होगा इन प्रॉपर्टी पैनल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ बॉटम में कुछ है जैसे कि आउटपुट पैनल पे अगर मैं क्लिक करूं तो जब मैं इसे रन करूंगा प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट हमारा क्या परफॉर्म हो रहा है उसके रिलेशन में हमें यहाँ पे शो होने लगेगा, एरर हमारे पास कौन कौन से आए वो एरर यहाँ पे शो होने लगेंगे। ठीक है, तो एक मैं प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ तो क्लियर होगा। तो सबसे पहले तुम लोग चले जाओ प्रोजेक्ट पर, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे यहाँ पे देखो एक पहले से ही, जैसे अगर हम लोग सी प्रोग्राम करते हैं या पाइथन प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम लोग अगर कई सारे मॉड्यूल अगर हम लोग बना के रखते हैं, जैसे कई सारे हम लोग फंक्शन वहां पे क्रिएट करके रखते हैं तो उनमें एक फंक्शन को हम लोग मेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि वो मेन प्रोग्राम चले और उस मेन प्रोग्राम के तहत हम लोग दूसरे फंक्शन को वहां पे कॉल कर ले। तो सिमिलर टास्क हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन पहले से ही क्रिएटेड है जिसका जो एक्सटेंशन है वो जैमल है, XAML, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैमल फाइल को हम लोग मेन फाइल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैनल या ये इंडेक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। सबका यहाँ पे आ गया? ठीक है, ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ये पैनल आ गया तो इसके बाद देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास जो शो कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप एक्टिविटी हेयर। ठीक है, ड्रॉप एक्टिविटी हेयर मींस यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है, बस एक्टिविटी को पिक एंड ड्रॉप करके हमें यूज करना है। ठीक है, तो जैसे एज यूजुअल हमारे पास जो बेसिक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम होता है कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे एक प्रिंट करेंगे और हम लोग प्रिंट करना है मुझे मान लो हेलो वर्ल्ड।
तो हम लोग को इस एक्टिविटी के लिए हम लोग सबसे पहले एक्टिविटी पैनल पे जाएंगे, और चूंकि एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होना चाहिए, तो मैसेज बॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च एक्टिविटी पैनल पे लिखेंगे मैसेज। ठीक है, तो मैसेज लिखने के बाद, मैसेज या पूरा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज लिखने के बाद सबसे बॉटम में देखो एक डायलॉग सिस्टम के अंदर, डायलॉग में एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, उसे पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है सिंपली। तो हम लोग सर्च एक्टिविटी में मैसेज को लिखा, और लिखने के बाद मैसेज को जो भी एक्टिविटी है डायलॉग के अंदर, तो उस एक्टिविटी को हम लोग पिक किए एंड सेंटर पे ड्रॉप किए, तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन अगर मैसेज बॉक्स को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो राइट साइड में देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी हमारे यहाँ शो होने लगी कि उसके रिस्पेक्टिव में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इनको मैं बाद में देखूंगा। तो मैसेज बॉक्स में मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है द टेक्स्ट मस्ट बी कोटेड, इसका मतलब अगर मैं कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, तो जो भी स्ट्रिंग मैं प्रिंट करूंगा पूरे ऑल ओवर द प्रोग्राम में, जो भी स्ट्रिंग मैं प्रिंट करता हूँ, वो सारे स्ट्रिंग एक डबल कोटेड के अंदर होने चाहिए। तो मैंने डबल कोटेड को ऑन किया एंड लिखा हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। वर्ड होगा ना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हेलो करके मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो एक्टिविटी में हमने सिंपल सा एक मैसेज बॉक्स यूज किया, और मैसेज बॉक्स के अंदर हमने सिंपल सा क्या लिखा, एक हेलो लिखा, वो भी डबल कोटेड के अंदर। और जब मैं इसको क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो टेक्स्ट के अंदर हमारा यहाँ पे हेलो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है। इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद अगर हम लोग ऊपर डिजाइन पैनल पे जाएंगे, तो डिजाइन पैनल पे यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है रन फाइल डिबग एंड रन, बाद में मैं इस सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे इस रन पे क्लिक करूंगा, या फिर तुम लोग यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस F5, उससे भी रन हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे रन करूंगा और एक हेलो करके हमारा मैसेज पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर स्क्रीन शो हो रही होगी, तो एक मैसेज यहाँ पे हमारा पॉपअप हो चुका है हेलो। तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो सब लोग, अगर सबका हो जाएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूं। डन सर। सर प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए ये चीज। ठीक है, फिर से देखो, सबसे पहले हमारे पास जो मेन पे था, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा था कि सिंपल सा एक सेंटर लोकेशन पे प्लस का साइन आ रहा है और वहां पे लिखा हुआ है ड्रॉप एक्टिविटी हेयर। तो मैं दो तरीका बताता हूँ ड्रॉप एक्टिविटी हेयर, तो उसमें कुछ एक्टिविटी को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग पैनल पे जाएंगे, तो वहां पे एक्टिविटी नाम का एक पैनल तो होगा, उस पर मैं क्लिक करूंगा। देन ऊपर सर्च बॉक्स पे मैं टाइप करूंगा मैसेज, ठीक है। तो मैसेज टाइप करने के बाद ये लास्ट में अगर मैं जाऊंगा, तो सिस्टम के अंदर डायलॉग के अंदर एक मैसेज बॉक्स हमारा यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, तो उस मैसेज बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। या फिर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे ना जाके मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, तो प्लस आइकन पे क्लिक करते ही एक टॉप पे मुझे एक ऑप्शन शो होने लगेगा, और यहाँ पे भी मैं अगर सर्च करूँ तो मैसेज को मैं लिख सकता हूँ एंड देन उस पे डबल क्लिक, सिंगल क्लिक कर लो, सॉरी डबल क्लिक कर लो, तो ये मैसेज बॉक्स फिर से हमारा आ गया। अब इस मैसेज बॉक्स के अंदर हमारे पास जो भी मैसेज को पॉपअप करना है, या जो भी मैसेज को मुझे एक आउटपुट में शो करना है, तो उस मैसेज को मैं इस डबल कोटेड के अंदर लिखूंगा, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और ये यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एक डबल कोटेड के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज अगर मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अगर एक कोटेशन में यहाँ पे हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो मुझे एक ब्लू सिंबल दिखा, और ये ब्लू सिंबल हमें इंडिकेट करेगा कि देयर मस्ट बी सम एरर इन योर प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे शो भी करेगा कि एरर है यहाँ पे, और क्या एरर है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो वर्ड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मस्ट बी एंड विथ अ डबल कोट, तो डबल कोट से हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, कोट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको डबल कोटेशन दिया, तो जब मैं बाहर क्लिक करूंगा, तो देन
ये जो भी एरर था ब्लू स्क्रीन ब्लू से वो रिमूव हो गया। सेव किया, उसके बाद डिबग फाइल पे गया एंड क्लिक किया रन पे। तो रन पे क्लिक करते ही वो हमारा एक मैसेज बॉक्स दे देगा। और एक चीज और ध्यान देना है, तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में अगर तुम ध्यान दो तो ये तुम्हारा स्टूडियो है, ये तुम्हारा स्टूडियो है, और इसको जो लेफ्ट राइट साइड है ये तुम्हारा रोबोट है। और ये रोबोट में क्या है, देखो ये रोबोट जो चला वही है तुम्हारा day 1 _CSIT जो मैंने प्रोग्राम बनाया। तो ये बैकग्राउंड में ये रोबोट चालू हो गया। अगर मैं पीपीटी पे ध्यान दूं तो पीपीटी हमारा 3 चीजें कह रही थी कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, UI स्टूडियो होना चाहिए, UI रोबोट होना चाहिए और ऑर्केस्ट्रेटर होना चाहिए। तो ऑर्केस्ट्रेटर का यूज तो मैं लास्ट में करूंगा, बट ये चीज हमारा जो है वो UI स्टूडियो है। और जो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जो बैकग्राउंड में एक और प्रोग्राम ओपन हुआ वो चीज हमारा है रोबोट, और यही चीज हमारा रोबोट है, ये रन कर रहा है और ये हमारा पॉपअप इसने जनरेट किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो रोबोट का टास्क परफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक वहां से चला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लो। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम कि हमें वहां पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। अगर किससे कोई दिक्कत हो रहा है तो वहां पे शेयर कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर जैसे ही हमने ये बनाया है ये ऑटोमेशन, ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब हम इसे रन करेंगे तभी होगा कि मतलब ऑटोमेशन का जो मतलब होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली ये चलना चाहिए, लेकिन इसे हम रन कर रहे हैं तभी चल रहा है। नहीं, तो ये ऑटोमेशन का मतलब हुआ जैसे कि अब यहाँ पे कोई सेंसर तो लगे नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे हमें कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो उस परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक होने के बाद ही वो एक्टिविटी सारी चीज जो है वो ऑटोमेट करेगा। तो उस चीज को मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो तुम्हें क्लिक करना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैसेज प्रिंट कराना था तो मेरे पास एक और हमारे पास रोबोट बना हुआ था। मैं अगर अपना रोबोट चालू करूँ, ठीक है, तो मेरे पास असिस्टेंट को मैं चालू करता हूँ और ये असिस्टेंट मेरा ऑन हो गया। अभी मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा स्टूडियो चालू है कि नहीं, मैं इसको बंद भी कर दे रहा हूँ, स्टूडियो मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास देखोगे तो मेरे पास UI स्टूडियो नाम का कोई भी चीज चल नहीं रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं अगर क्लाउड से अगर रन कर रहा हूँ, मुझे टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल क्लिक तो मुझे देना पड़ेगा कि वो एक्टिविटी को परफॉर्म करे। तो मैंने यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर पे क्लिक किया टेस्ट, और ये मेरे क्लाउड से है। अभी देखो मेरे बैकग्राउंड पे कोई भी UI पाथ स्टूडियो नहीं चल रहा है। तो सेलेक्ट मैंने रोबोट किया एंड देन स्टार्ट। तो अभी तो सिंपल मैंने एक हेलो का प्रिंट किया हुआ है, तो ये हेलो हमारा देखो पॉपअप जनरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेल भेज सकता था, ठीक है, तो एक क्लिक तो तुम्हें करना पड़ेगा टास्क को ट्रिगर करने के लिए। उसके बाद की जो सिक्वेंस होगी वो ऑटोमेट होगी। ठीक है, और कोई दिक्कत शुभम? ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहां तक सबका हो गया होगा, यहां तक सबका हो चुका है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला प्रोग्राम ये बनाया कि हेलो जो भी है वो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग इनपुट से या फिर यूजर से कोई नेम लें या फिर उसको बोले कुछ भी अपना नाम टाइप करो, और वो टाइप जो भी नाम करेगा वो उसको पॉपअप में जनरेट करूंगा कि हेलो और समथिंग योर नेम और समथिंग ऐसा करके। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी हम लोग यूजर से मांगते हैं, यानी कि जो कीबोर्ड से मुझे टाइप करना है एंड यूजर इंटर इसमें करे कोई भी नेम, तो उसके लिए मैं एक एक्टिविटी यूज करता हूँ इनपुट। तो तुम लोग सर्च करो इनपुट,
और इनपुट में हमारे पास यूज करना है इनपुट डायलॉग। तो इनपुट डायलॉग को मैंने पिक किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। ठीक है, तो इनपुट डायलॉग में मैंने यहाँ से पिक किया एंड ड्रॉप किया, तो इनपुट हमारे पास यहाँ पर आ गया इनपुट डायलॉग। ठीक है, और इनपुट डायलॉग में भी हमारे पास दो आए पॉपअप, एक आया टाइटल क्या होना चाहिए और जो भी तुम लिखोगे उसका लेबल क्या होना चाहिए। तो मैं टाइटल में मान लो लिख दे रहा हूं कि जस्ट एंटर एंटर योर डिटेल। ठीक है, एंटर योर डिटेल एंड देन उस पर लेबल क्या होना चाहिए, क्या ना डिटेल में क्या ऐड करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें एज ऐड करना है या फिर नेम ऐड करना है कुछ भी। तो मैं यहां पे टाइप कर दे रहा हूं कि योर नेम, तुम्हें यहाँ पे टाइप करना योर नेम। ठीक है, अब जब तुम देखो प्रोग्राम में सिंपल है कि अगर जब तुम कोई टाइप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नेम टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो नाम नेम टाइप करने के बाद उसके बाद इसको स्टोर किस में करना है, रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो रिजल्ट में मैं करूंगा कंट्रोल प्लस के से यूज करता हूँ, तुम लोग को एक नॉर्मली बनाकर दिखा रहा हूँ। वेरिएबल में मैं इसको टाइप होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होना चाहिए, मैं बाद में डिस्कस करूंगा कैसे होना चाहिए। ठीक, टाइप के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तुम लोग को ये देखना है कि जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया नेम, वो एक स्ट्रिंग टाइप का है और इसका जो स्कोप है वो सीक्वेंस के अंदर है। इसके बारे में डिटेल में वेरिएबल के क्लास में करूंगा। तो इनपुट डायलॉग हो गया, इंटर तुमने लिख दिया, अब इसके बाद जो डायलॉग को रिजल्ट जो है, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, तो यहाँ आउटपुट पैनल पे देखो एक रिजल्ट आउटपुट करके एक मैसेज है यहाँ पे, वहां पे तुम वो जो नया वेरिएबल क्रिएट किए उसको स्टोर कर दोगे, यानी कि नेम, नेम स्टोर कर दिए। ठीक है, अब इनपुट डायलॉग का जो रिजल्ट था वो नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, तो मैसेज में मुझे क्या प्रिंट करना है, मैंने मैसेज में प्रिंट किया हेलो और साथ में उसका नाम, तो मैंने प्लस किया और उसका नाम क्या था, नेम। तो अभी मेरा क्या होगा कि हेलो और विद उसका नाम, अगर बीच में स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेस एक क्रिएट कर दे रहा हूँ और एक कॉलम भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, देन अब मैं इसको स्टोर कर सेव किया और मैं इसको रन किया। तो रन करने के बाद मुझे एक पॉपअप आएगा और उसमें एक लिखा होगा कि इंटर योर डिटेल। देखो तो इस पॉपअप में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आ गया इंटर योर डिटेल, ये टाइटल तुम्हारा हो गया, और डिटेल में क्या लिखना है, योर नेम जो मैंने वहां पर टाइप किया। नेम मैं मान लो लिख दिया कि अमित, ठीक है, तो अमित लिख के मैंने जैसे ओके किया तो फिर से एक आउटपुट पैनल आएगा जिसमें लिखेगा हेलो अमित। ठीक है, और जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। सर एक और बार बता दूं, सर न्यू वेरिएबल कैसे बनाया? हाँ, तो न्यू वेरिएबल के लिए जिसपे जिस सीक्वेंस पे चाहिए उस सीक्वेंस को क्लिक कर लो, वेरिएबल पे जाओ और यहाँ पे देखो क्रिएट वेरिएबल है, क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करो। ठीक है, क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे नेम रखो, उसका टाइप स्ट्रिंग है, अभी चेंज नहीं करना है, चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कैसे चेंज करना है। ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है और वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए बस। सर ये एंटर अ वीबी एक्सप्रेशन, ये खाली छोड़ना, कहाँ पर? हाँ, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, मान लो तुम इनपुट वहां से ना इनपुट करके तुम अगर डिफॉल्ट लेना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी इसको बता दूं अभी, हाँ, जैसे मैं अगर इनपुट डायलॉग से ना लूं और मैंने यहीं पे डबल कोट में अपना नाम लिख दिया, ठीक है, तो मुझे अब इनपुट डायलॉग की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो नेम, और इस नेम में जो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट हमारा स्टोर है वो अमित नाम है, तो मुझसे कोई इनपुट डायलॉग नहीं पूछेगा, सिंपल वो हेलो अमित करके प्रिंट कर देगा। तो अगर इसको पहले से कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो तुम वहां से दे सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक रखो। ओके सर।
चैट बॉक्स पे लिख देंगे सबका, सबका साथ में होना चाहिए। दिव्यांशी प्रॉपर्टी के बारे हाँ, जब मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी प्रॉपर्टी है वो ओपन होंगी। ठीक है, जीके का डिटेल में धीरे धीरे तुम्हें पता चलता जाएगा। तो अभी जैसे मुझे इसका डिटेल में आउटपुट में मुझे स्टोर करना था या फिर लेबल देना था, तो मैंने लेबल पे यहाँ पे लिख दिया योर नेम। ठीक है, जो डायरेक्ट आइकन बना है ठीक है, अदरवाइज तुम यहाँ से लिख सकते हो। तो योर नेम, ठीक है, उसके बाद टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल मैंने लिख दिया, एंटर योर डिटेल, और जो रिजल्ट हमारा स्टोर होना चाहिए वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो मैं रिजल्ट पे एक वेरिएबल लिख दिया नेम। ठीक है, बाकी धीरे धीरे मैं डिस्कस करता जाऊंगा कैसे कैसे प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग को जो सेलेक्ट करना है वो अभी हम लोग बस उतना ही सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैसेज पे मैंने लिखा है टेक्स्ट पर, तो टेक्स्ट पर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि हेलो नेम और साथ में उसका नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी का एक्टिविटी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता जाएगा वैसे एक्टिविटी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। हाँ बोलो सर, एक बार प्लीज डिफॉल्ट नेम वाली चीज बता दीजिए। ठीक है, तो जैसे देखो अभी जैसे मैं डिफॉल्ट नेम यहाँ पे भर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डिफॉल्ट नेम में मैं शायद अभी भर ले रहा हूँ MIT, मैंने MIT भर दिया। ठीक है, लेकिन ये डिफॉल्ट नेम में आ गया, नेम का वेरिएबल जो है वो MIT के नाम पर है और मैं इसको अभी हाइड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको हाइड कर दिया या फिर कमेंट कर दिया। ठीक है, अभी बता दूंगा, Ctrl+D यूज होता है तुम्हारा हाइड करने के लिए, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब हमारे पास प्रोग्राम में क्या चलेगा, हमने नेम पे डिफॉल्ट हमने लिखा MIT और मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ हेलो प्लस नेम, यानी MIT हमारा प्रिंट होगा और प्रिंट हमारा क्या होना चाहिए, हेलो प्लस MIT। तो मैं इसको रन किया और रन करने के बाद हेलो MIT प्रिंट हो गया। सो हो रहा है सबको? ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो हार्ड कोडेड मैंने किया वो हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, मुझे इसको डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक और यूजर से वो जो भी नेम यहाँ पे टाइप किया उसने स्ट्रिंग में वो स्टोर हो गया नेम पे। ठीक है, तो जो भी हमारा डिफॉल्ट था वो अब रिप्लेस हो जाएगा विथ डायनेमिकली जो हम उसमें ऐड करेंगे, यानी यूजर जो नेम देगा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, तो मैं जो पहले से था वो MIT था, लेकिन अभी मैं चूंकि इसमें अपना नाम दूंगा तो वो MIT रिप्लेस होगा विद अमित, तो मैं यहाँ पे ओके किया, अब यहाँ पर आ गया अमित। अभी डिफॉल्ट का मतलब समझ में आया? हेलो,
से आवाज आ रही है आपकी। सर अगर हमें इनपुट में प्लेस होल्डर वैल्यू देनी हो कि मतलब इस टाइप का लिखना है जैसे ईमेल आईडी है तो वो कहाँ से देते हैं? हेलो तो शायद सर को आवाज नहीं आई। हाँ नहीं, ठीक है मैम, वो किसी को कॉल आ गया था, बच्चे का ही था। ठीक है सर अगर तो हमें प्लेस जैसे होल्डर मैम, में वैल्यू देनी है किसी को कि मतलब ईमेल आईडी इस टाइप की होनी चाहिए तो वो कहाँ से देंगे इनपुट में? तो तुम एक पे टाइटल पे लिख दो, या फिर यहाँ पे लेबल है वहां पे लिख दो कि ईमेल आईडी इस टाइप में होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा योर ईमेल, ठीक है, और इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिख लिया, और मैंने लिख दिया है कि इट्स मेन, या फिर एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, तो SS करके @gmail, ठीक है, gmail.com। अब जब मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा तो वहाँ पे वो चीज़ शो होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है ना कि @gmail, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा जो भी मैंने लिखा अमित @gmail.com, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया है अमित। क्वेश्चन यही था कि कोई क्वेश्चन डिफरेंट था? सर प्लेस होल्डर में मतलब जो जहाँ पे हम टाइप करेंगे ना वहाँ पे आना चाहिए मतलब। ओके, पहले से ही लिखा आना चाहिए यस सर, बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड में जो ग्रे कलर में होते हैं, ठीक है, प्लेस मतलब ब्लर में, ग्रे कलर और ब्लर इसके ऊपर लिखे। यस सर। हाँ मतलब वो एक पहले से ही बैकग्राउंड में लिखा हुआ, तो ऐसा यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अभी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा व्हाइट ही आएगा, प्लेस होल्डर पे हम लोग कुछ भी पहले से नहीं लिख सकते, ओके सर, ठीक है। तो जो भी लिखेंगे वहां पे जो इनपुट डायलॉग है या फिर टाइटल पे लिख सकते हैं, उस प्लेस होल्डर पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। सर यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। तो जैसा हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस के अपलोड जाते हैं डिजाइन पैनल पे, तो एक न्यू ऑप्शन आ रहा है, और न्यू ऑप्शन पे भी हमारे पास कई सारे चीज आ रहे हैं। देखो, एक हो गया सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्टेट मशीन, ग्लोबल हैंडलर, टेस्ट केस एंड डेटा ड्राइव टेस्ट केस। तो अभी हम तो ऐसे ही सीक्वेंस टाइप का हमारे पास फ्लो चार्ट भी है, ठीक है। अभी फ्लो चार्ट में तुम समझ लो जैसे डिसीजन मेकिंग है कि डिसीजन तुम्हें क्या लेना है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी हमारे पास फ्लो चार्ट में होगा। तो मैं एक बार फ्लो चार्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ डेमो में। तो मैंने डेमो लिख दिया और इसे ओके कर दिया। तो एक नया मेरा, देखो प्रोजेक्ट मेरा वही है, प्रोजेक्ट मेरा क्या है, डेटा डे वन CSIT। और उस डे वन CSIT में ये समझ लो कि हमारा एक मेन फंक्शन हो गया और ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ये मेन और ये हमारा एक फंक्शन। तो हम इसको बाद में इस पे मेन में कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको अलग से भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो भी सीक्वेंस लिया, ठीक है, सीक्वेंस हमारा था फ्लो, तो फ्लो में भी हम लोग सेम जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो एक फ्लो टाइप में होगा या फिर फ्लो डायग्राम टाइप में होगा कि इसके बाद ये एक्टिविटी लेना है या फिर ये एक्टिविटी बार बार रिपीट करना है, ऐसा समथिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया नेम और यहाँ पे मुझे मैसेज प्रिंट करना है, तो सेम एक्टिविटी में परफॉर्म करूंगा मैसेज, और ये मैसेज बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा, और इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा स्टार्ट के साथ। यानी कि यहाँ पे जब हम इसको पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो यानी यहाँ पे क्या एक्शन हो जाएगा, स्टार्ट, देन स्टार्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, मैसेज बॉक्स पे। और मैसेज बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटपुट पैनल में, यहाँ से डबल क्लिक कर लो और यहाँ पे लिखो टेक्स्ट में कि हेलो वर्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये डेमो के अंदर मैसेज बॉक्स, तो अब इसका काम क्या होगा कि मैसेज जो होगा
स्टार्ट, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट के बाद ये मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा और उसके बाद फिर हमारा ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, रन करने का अब तुम्हें थोड़ा सा प्रोसेस क्लियर होगा कि मैं जब इस पे रन पे क्लिक करूंगा तो जब रन पे क्लिक करने पे ये पहला जो फंक्शन इस पे बाय डिफॉल्ट वो रन होगा, वो मेन रन होगा, लेकिन मुझे इस फाइल को चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रन फाइल। तो रन फाइल पे सिर्फ हमारा ये डेमो वाली फाइल रन होगी। तो मैंने रन किया रन फाइल, और सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं, यानी हेलो वर्ड, देखो यहाँ पे भी हमारा ये प्रिंट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा हमारा बेनिफिशियल क्या है कि इसमें हम लोग कुछ कंडीशन देखे, एक ही लूप को बार बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, मुझे अगर मैं एक डिसीजन बनाना चाहता हूँ, तो डिसीजन मैंने यहाँ पे बनाया फ्लो डिसीजन ये, और मैंने यूजर से कुछ इनपुट मंगा लिया। थोड़ा इस प्रोग्राम को ध्यान से देना, तो मैंने इनपुट को यूजर से मंगाया और मैंने करेक्ट कर दिया इनपुट के साथ, सॉरी, और इसके अंदर लिखा इंटर नंबर, और इसके लेवल के अंदर भी लिख दिया इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, 1 to 10, और जो भी आउटपुट मेरा स्टोर हो रहा है वो आउटपुट के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो मैंने नंबर बनाया और ये नंबर मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग के टाइप में, स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी इंटीजर टाइप का मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसके आउटपुट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा नंबर पे। ठीक है, तो मैंने अभी तक कितना काम किया, इनपुट लिया मैंने और इनपुट में, सॉरी स्टार्ट को मैंने इनपुट डायलॉग से क्लिक किया, और स्टार्ट में क्या होगा कि एक नंबर वहां पे लिया और वो रिजल्ट में हमारा सेव स्टोर हो गया, रिजल्ट में नंबर इस वेरिएबल पे स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे डिसीजन लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कलेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है, देखो यहाँ पे कंडीशन है राइट साइड में, तो राइट साइड के कंडीशन में मैं लिख दूंगा कि इफ ए या फिर सॉरी नंबर नंबर इज ग्रेटर देन 5, ये मैंने कंडीशन लिख के ओके कर दिया। तो अब ये नंबर देखो यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले जाऊं तो देखो कि नंबर ग्रेटर देन 5 ये हमारा कंडीशन है। तो इसमें दो कंडीशन होंगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ट्रू कंडीशन में मैंने लिख दिया, एक मैसेज बॉक्स लिया मैंने, ठीक है, और मैसेज बॉक्स ट्रू से कनेक्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे ट्रू से मैंने मैसेज बॉक्स को क्लिक कर दिया, और इसके अंदर मैंने पुट कर दिया कि नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 5। और अगर हमारा ये फॉल्स कंडीशन होता है, ठीक है, तो सेम मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसे मैं फॉल्स कंडीशन को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा नंबर इज लेस देन 5, लेस देन 5, ठीक है, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने रन फाइल किया, इनपुट मुझसे ये मांगा और मैंने नंबर ले लिया, मान लो कि 4 ले लिया, मान लो, ठीक है, 4 नंबर के, क्योंकि वहां लेस देन किया, इक्वल तो किया नहीं हूं मैं, तो 4 लिया, तो 4 में क्या होगा लेस देन 5, तो नंबर इज लेस देन 5, क्लियर है, और ओके। और इसमें हमारा बेनिफिट क्या है फ्लो डायग्राम में कि ये सेम प्रोसेस में बार बार रिपीट कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, या कोई ज्यादा सॉरी प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ से कर्सर ले गया और वापस इंडिकेट कर दिया इनपुट में। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर नंबर हमारा 5 से हमारा कम हुआ तो फिर से वो तुमसे इनपुट डायलॉग भरेगा, पूछेगा और पूछेगा कि फिर से नंबर तुम 5 ना हो जाए। मैंने फिर से रन किया, तो अगर मैं इसमें अब 4, हाँ, अब मैंने इसमें प्रिंट किया 4, देन ओके, अगेन नंबर इज लेस देन 5, और क्लिक करते फिर से वो मुझसे नंबर पूछेगा इंटर नंबर बिटवीन 1 to 5। फिर से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा जो कि 2 हम फिर भी 5 से लेस देन है, तो फिर से ये ओके किया, फिर से नंबर पूछा। अब ये लूप टर्मिनेट कैसे होगा, जब नंबर हमारा 5 या 5 से ज्यादा हो, तो मैंने 6 किया और ये नंबर हमारा आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड ओके, लूप टर्मिनेटेड।
तो फ्लो डायग्राम से हमारा थोड़ा प्रोग्रामिंग इजी हो जाता है और मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग में ये हमारा यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया फ्लो डायग्राम पे। यहाँ तक हो गया सबका? ट्राई करो एक बार। सबका हो गया? यहाँ पे जिनका नहीं हुआ मैसेज बॉक्स पे लिखें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जिनका हो गया है ठीक है, वो रिस्पॉन्स करते रहेंगे। जिनका नहीं भी हो रहा है वो तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, तभी मैं यहाँ पे होल्ड कर पाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है यहाँ तक, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ रहा फिर। ओके गुड।
तो ये हमारा यहाँ पर हो गया कि कोई भी मैसेज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या फिर कोई कंडीशन बेस यहाँ पे ऑपरेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, तो कल का तुम लोग सबका यही टास्क रहेगा कि हमें एक कैलकुलेटर परफॉर्म करना है जहाँ पे इनपुट डायलॉग्स में हमारे पास ऑप्शन हो कि इन इन ऑप्शन में जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँ नंबर वन, तो नंबर वन रिप्रेजेंट करेगा फॉर एडिशन, माइनस माइनस नंबर टू, नंबर टू रिप्रेजेंट करेगा फॉर माइनस, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मैं एक हिंट दे देता हूँ, बाकी कल हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो मैंने क्या किया, इंटर नंबर, ठीक है। तो अभी चूंकि न्यू लाइन पे लिखना है तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैंने जैसे लिया, मैंने यहाँ पे लिखा कि सेलेक्ट वन, ठीक है, फॉर एडिशन, ठीक है, तो एडिशन हो गया। और अगर न्यू लाइन लेना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट न्यू लाइन, ओके, एनवायरमेंट डॉट न्यू लाइन, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर से किया एनवायरमेंट डॉट न्यू लाइन, ये होगा तुम्हारा न्यू लाइन के लिए, मतलब कि पहला नाम लिखा होगा कि वन फॉर एडिशन और न्यू लाइन होगा फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डबल कोट के अंदर एंड सेलेक्ट टू फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे न्यू लाइन को यूज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्लस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डॉट न्यू लाइन, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन ऑप्शन ले लिया कि वन अगर सेलेक्ट करते हो तो एडिशन में चला जाए, टू सेलेक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्शन में चला जाए, थ्री सेलेक्ट करते हो तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाए, ठीक है। तो कंडीशन में भी ऐसे हम लोग बना सकते हैं, तो कंडीशन की जगह हम लोग यहाँ पे स्विच यूज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे यूज किया स्विच एक्टिविटी, तो हमारे पास एक एक्टिविटी है फ्लो चार्ट के लिए, देखो यहाँ पे फ्लो स्विच है और फ्लो स्विच पे हम लोग यहाँ पर जब जाएंगे तो ये इससे कनेक्ट होगा, यानी कि जो भी रिजल्ट हमारा आएगा इसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो हमारे पास देखो क्या क्या नंबर आ रहे थे, वन टू एंड थ्री, तो मैंने मैसेज प्रिंट किया, मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया कि मैसेज, और इसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और जो डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफॉल्ट की जगह मैं यहाँ पे वो नंबर मेंशन कर सकता हूँ जो हमारा वन या टू है या थ्री है। तो डिफॉल्ट की जगह मैंने क्लिक किया कि अगर वन आए, ठीक है, या फिर जो भी डिसीजन है यहाँ पे एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए, तो डिसीजन जब फ्लो पे क्लिक करूंगा तो डिसीजन, और ये नंबर हमारा किस में स्टोर है, नंबर में स्टोर है। तो फ्लो स्विच के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, अब वो नंबर वन हो रहा है या टू हो रहा है या थ्री हो रहा है, तो मान लेते हैं अगर वो नंबर वन आया तो मैसेज बॉक्स के अंदर चला जाए और लिखा जाए कि यू आर, या तुम लोग एडिशन जो भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि यू आर इन एडिशन लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पहला हो सब्ट्रैक्शन, हेलो अमित सर आपकी साउंड चली, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, हाँ मैम, ओके, नेटवर्क का इशू होगा, अभी आ रही है मैम प्रॉपर, हाँ फिलहाल आ रही है, हेलो आ रही है सर, अभी तो आ रही है, ठीक है ठीक है, हाँ मैम बता दिया कि पता नहीं चल पा रहा है इधर से, ठीक है मैम। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट लिया, फ्लो चार्ट में सबसे पहले इनपुट डायलॉग लिया और इनपुट डायलॉग के अंदर मैंने तीन मैसेज लिखा है कि अगर वन अगर आए तो इसका मतलब एनवायरमेंट पे चला जाए, दो पे आए तो, सॉरी, वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन।
और ये जो भी नंबर होगा मेरा रिजल्ट नंबर में स्टोर होते जा रहा है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अगर वन आ रहा है तो मैसेज पे मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ एडिशन की फॉलोअप करने पड़ेंगे। तुम दो इनपुट डायलॉग लोगे, दो इनपुट डायलॉग लेने के बाद दोनों इनपुट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट ऐड करने के बाद मैसेज पे प्रिंट करेंगे। उसके लिए भी मैं बताऊंगा, हेल्प करूंगा। और दो पे आए तो हमारा इस मैसेज पे चला जाए यू आर इन सब्ट्रैक्शन, तो मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। और तीसरा तुम बना सकते हो कि अगर दो नंबर से कोई तीन रॉन्ग नंबर प्रिंट कर दे, यानी कि 15 कर दे या 14 कर दे, तो वापिस इसी में आ जाओगे कि नहीं यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर, तो प्लीज री एंटर योर करेक्ट नंबर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे शो होगा। देखो तो न्यू लाइन में हमारा आ गया, वन फॉर सब्ट्रैक्शन, टू फॉर सॉरी वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम बनाया है वन और टू के लिए बनाया है, तो मैं अगर टू प्रेस करता हूँ, टू इंटर किया एंड ओके, तो यहाँ पर आ गया यू आर इन सब्ट्रैक्शन। तो एक बार चेक कर सकते हो। तो ये तुम्हारा कल का टास्क रहेगा कि तुम्हें एक कैलकुलेटर बनाना है, और उस कैलकुलेटर में दो तुम्हें इनपुट डायलॉग बॉक्स लेने हैं। तो वन फॉर नंबर वन और टू फॉर होगा इंटर नंबर टू। उन दोनों पे हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि तुम पहले कोई नंबर सेलेक्ट करोगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड फोर फॉर सब्ट्रैक्शन सॉरी डिवीजन। उसके बाद तुम्हें सेलेक्ट करने के बाद स्विच केस से परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो एडिशन पे चला जाए, सब्ट्रैक्शन पे चला जाए, मल्टीप्लीकेशन पे चला जाए और डिवीजन पे चला जाए, और आउटपुट मुझे वो प्रिंट करके शो करें। अगर इन चारों नंबर से कोई दूसरा नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया, तो वापिस से वो इनपुट डायलॉग पे चला जाए और वहां पे प्रिंट करे कि नहीं तुमने गलत नंबर टाइप किया है, और फिर से तुम एक नया नंबर जो जेन्युइन नंबर है वो टाइप करो। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर, सबका हो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो ये कल का टास्क रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे हम लोग यूज कर, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ऐसे हम लोग यूज किए, एक सीक्वेंस को हम लोग यूज कर चुके हैं, फ्लो को यूज कर चुके हैं, स्टेट मशीन को अभी टाइम नहीं है, तो मैं कल इसको डिस्कस कर लूंगा। तो मेन में एक और एक्टिविटी बता देता हूँ, नेक्स्ट एक्टिविटी जो तुम लोग को कल हेल्प करेगा, और उस एक्टिविटी का नाम है असाइन। तो असाइन यूज करोगे, और असाइन को मैं पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। असाइन का सिंपल मीन हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट किए और उसमें किसी वैल्यू को असाइन करना किया जाता है, तो हम लोग वहां पे कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू समथिंग, पी इक्वल टू समथिंग। तो एक डिफॉल्ट वैल्यू या फिर एक डायनेमिक वैल्यू हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो इनपुट डायलॉग से मैंने यहाँ पे किया था और नेम पे प्रिंट किया था, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट डायलॉग से ना प्रिंट करके, या फिर इस डिफॉल्ट वैल्यू से ना प्रिंट करके, हम क्या करेंगे उसे हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे नेम को मैं कॉल करूंगा और नेम पे मैं वैल्यू असाइन करूंगा, मान लो कि मैंने अमित लिख दिया। तो ये जो अमित नाम है या फिर जो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये जो वेरिएबल टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो वो जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग है वो किस में स्टोर हो जाएगा, नेम में, और हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो नेम जो भी है समथिंग। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हेलो अमित में ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम लोग असाइन एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। तुम लोग एडिशन के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, नंबर वन नंबर टू करके लास्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें अगर एडिशन बनाना चाहूँ, तो मैंने क्या लिया, मैंने इस नेम का या जो नंबर है इसको टाइप चेंज किया और इंटीजर कर दिया, ठीक है। अब इंटीजर चेंज करने पे क्या हो जाएगा, अब ये जो भी नेम हो गया वो एक इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक है। तो मुझे इसमें ऐड करना है 4 + 5, तो मैं तो 4 + 5 हमारा इस नेम पे आ गया, ठीक है। तो 4 + 5 जो कि 9 है, और 9 हमारा इस वेरिएबल पे स्टोर हो गया। और ये वेरिएबल का टाइप कैसा था, इंटीजर टाइप का था। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि ये जो मैसेज प्रिंट करता है ना, वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो ये दोनों एक स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है और एक सॉरी इंटीजर है, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ नहीं सकते। तो जोड़ने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर टू स्ट्रिंग। तो मैंने वहां पर डॉट लगाया, डॉट के बाद टू स्ट्रिंग लगाया एंड देन क्लिक टू स्ट्रिंग,
ठीक है, अब ये हमारा एरर रिमूव हो गया। अब मैं जब यूज करूंगा, रन करूंगा, तो मैं रन यहाँ पे कर सकता हूँ कि सॉरी जो रिजल्ट आएगा वो हेलो 9 आ गया, क्योंकि जो 4+5 यहाँ पर हो गया 9। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हार्ड कोडिंग में है, मैंने दोनों जो भी दो नंबर मैंने यूज किया उन दो नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, और उन वेरिएबल को मैं इनपुट डायलॉग 1 और इनपुट डायलॉग 2 से यूजर से मांग लिया, उसे एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया, देन उसको मैं असाइन के थ्रू ऐड कर लिया और आउटपुट में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चेक कर लो सब लोग। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, एक बार देख लो, जल्दी जल्दी समझ में आएगा तो भी दिक्कत है, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी भूल जाओगे। तो अगर कोई दिक्कत है अभी तक के एक्टिविटी में, हम लोग फ्लो डायग्राम पे देख लिया, और हम लोग एक मेन प्रोग्राम पे मैसेज प्रिंट करके देख लिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज करके देख लिए, एक इंटीजर वेरिएबल को यूज करके देख लिए, ठीक है, मैसेज पे प्रिंट करके भी देख लिए। तो इन एक्टिविटी को यूज करने में अगर कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हो अभी तक। ठीक है, तो भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो एक एक्टिविटी और बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जो मैसेज हम लोग अगर यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे मैसेज बॉक्स, तो हमारे पॉप में एक सॉरी रन करने के बाद पॉप जनरेट हो जाता है, और ये तो इस चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और स्टूडियो पे ही उसको वॉइस नॉट क्लियर। हेलो, ओके, वो मेरी सर अभी भी नहीं आ रही। मैं एक काम करता हूँ, फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आ रही है वॉइस? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि जो मैसेज एक्टिविटी यूज कर रहे थे वो मैसेज एक्टिविटी हमारा आउटपुट एक पॉपअप जनरेट होता था, और उस पॉपअप पे ही हमारा आउटपुट शो होता था। तो इससे क्या होता है कि इस एक्टिविटी को यूज करने पे हमारा जो प्रोग्राम होता है उस पॉपअप के बाद वो रुक जाता है, यानी जब तक तुम ओके पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो वहां पे होल्ड रहेगा, वो प्रोग्राम हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमारा मैसेज भी प्रिंट हो जाए और प्रोग्राम भी आगे मूव करता जाए। तो इसके लिए उस मैसेज के जगह मैं जो भी आउटपुट है वो हम लोग यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे देख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट बॉक्स हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और हमारा टाइमिंग भी यहाँ शो करता है कि एक प्रोग्राम को रन करने में कितना सेकंड लगा। ठीक है, तो उसके लिए जो मैसेज यूज करते हैं राइट इन लाइन यूज करते हैं, या फिर हम लोग लॉग मैसेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब लॉग रखोगे तो लॉग मैसेज यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया, और ये लॉग मैसेज को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, पिक एंड ड्रॉप सेलेक्ट कर लिया कि ये मैसेज हमारा एक इन्फॉर्मेशन टाइप का मैसेज है, या फिर लोकेशन जनरेट, कुछ भी जो भी तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सिंपली मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे प्रोग्राम को, ये बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैसेज में जैसे तुम लोग मैसेज बॉक्स में लिखते थे एज इट इज तुम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ योर एडिशन रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, एडिशन रिजल्ट हमारे पास है 4+5, यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट ऑफ एडिशन रिजल्ट ऑफ 4+5 एज। ठीक है, और रिजल्ट क्या होना चाहिए, नेम। तो ये नेम को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और चूंकि ये नेम एक इंटीजर वेरिएबल है तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू स्ट्रिंग बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाया और रिजल्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करता हूं तो रन करने पे ये कोई पॉपअप जनरेट नहीं करेगा। विद इन सेकंड, देखो विद इन सेकंड उसने रन किया प्रोग्राम को, रोबोट रन हुआ और आउटपुट मुझे शो कर दिया। लेकिन आउटपुट कहाँ पे शो किया, तो ये आउटपुट हमारा आउटपुट पैनल पे आ गया। देखो जब हम इसमें आउटपुट पैनल पे क्लिक करेंगे देन हमारे पास सारी एक्टिविटी आएगी कि हमारा जो डे 1 CSIT का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट था वो क्या रिजल्ट था,
योर एडिशन रिजल्ट ऑफ 5 + 4 = 9, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एग्जीक्यूशन है विद इन सेकंड, वो सेकंड भी नहीं ले पाया और उससे पहले ही वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारा है और हम लोग जो रिजल्ट है वो पॉपअप पे ना जनरेट करके हम लोग एक डायरेक्ट आउटपुट पैनल पे ही इस रिजल्ट को शो कर सकते हैं। यहां तक देख लो, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा यूआई पाथ है और ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इस यूआई पाथ में अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया है तो वो डिस्कस कर सकते हैं।